2019 में नहीं हो सका उसे 2024 में पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जिंदा दिल और दमदार आदमी है। किसान वो जीव है जो जिंदगी और मौत से रोज आमना सामना करता है। जो लोग आए हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी शख्सियत थी और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अचानक जब वो ट्रीटमेंट, जो खून पतला करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, जब वो ट्रीटमेंट चला तो उनको नींद आने लग गई। राम राम, नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहा हूँ झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर थारो स्वागत है। अभी एक विजुअल है जो कि स्क्रीन पर चल रहा है। अब बात जगह है, जकी जगह मैं पहला एक सुपर हिट शो फतेह मोहम्मद जी सागे कर चुके हूँ। मैं ये मान सकूँ कि आपरा जका विचार हा बे प्रस्तुत करने में बिल्कुल ही संकुचित को नहीं होता। बा एक एक चीज बताई कि किया बा आपरो स्ट्रगल करियो और किया है जका बा लोगा री मदद करी। बतायो जावे कि बा 50 क्विंटल कणक है गेहूं बा गरीब और जका लोग वे मजदूर लोग बा तक पहुंचाने रो डायरेक्ट काम करियो है बिना कोई सरकारी फंड रहे। तो आज बारे सरगवास पर आपा पहुंचा हा, लोग भी पहुंचा है, आपा न्यूज ब्रेक करी ही पहला। तो आपने सागे मदन गोपाल जी है जगह जुड़ेड़ा है। फतेह मोहम्मद जी सागे मेमोरेबल याद थारी कहीं रही? फतेह मोहम्मद जी साथ बहुत ही जबरदस्त यादगार है। मैं कम से कम पिछले 5-6 साल से फतेह मोहम्मद जी से जुड़ेड़ो। जद भी ईद पे और भी मौके पर जद भी इलाके मानो जानो हो तो मैं फतेह मोहम्मद जी से मिले मैंने जाऊं तो कोने हमेशा ही मिले जाया करतो। बहुत ही जिंदा दिल और दमदार आदमी है हर तरह से, चाहे भले ने भे आप रे कौमरे हिसाब से बात करो, चाहे राजनीतिक हिसाब से बात करो, चाहे आदरी जी की दुनिया की जरूरत है, शिक्षा सु है या और सु है, ये सब चीजों में भी बहुत ही अच्छा ख्याल अच्छा विचार है मेरा। और इलाके री बहबूदी वास्ता वो जो भी कुछ कर सकते थे उन्होंने हमेशा किया। अभी जैसे आपने भी बताया, मुझे पहले से भी इस चीज की जानकारी ही कि कोरोना वाले टाइम में फतेह मोहम्मद जी ने आसपास रे इलाके में और में जितने भी जरूरतमंद लोग हा मेरी खुलकर दिल से पूरी मदद करी, हर तरह से मदद करी। आज बहुत ही दुख है इस बात रो कि ई मौके पर आज आनो पड़ियो। फतेह मोहम्मद जी कोई उम्र ज्यादा को नहीं, बहुत ही छोटी उम्र में अपने बीच से विदा हो गया। ये दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में आज मैं उनके परिजनों से मिलने के लिए उनकी रूह की उसके लिए दुआ ही कर सकते। पहले चुनाव लड़े थे, पहले चुनाव में मैदान में उतरिया, राजनीतिक सफर थारो या केसकों की बढ़ू शुरू हो, लेकिन भी राजनीतिक सफर में थोड़ी सी नजर लाग गई और वो राजनीतिक सफर है जो को आपने अनुकूल कौन रहे हो। तो फतेह मोहम्मद जी की पहली प्रतिक्रिया भी राजनीतिक सफर में पहली बार? फतेह मोहम्मद जी ने बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई थी उसमें, और इस इलाके से हमारे जो कांग्रेस को जो था बढ़त भी मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। प्रतिक्रियाएं तो राजनीति में चलती रहती है, हार और जीत होता रहता है। समय उस समय जो चुनाव हुआ अब वो एक अलग सी परिस्थितियों का था, बेसिकली देखा जाए तो वो चुनाव ही नहीं था, वो तो एक भावनाओं का भूचाल था। तो उसके अंदर जो भी नतीजा आया आ गया, कोई बात नहीं, अब आगे के देखेंगे। फतेह मोहम्मद जी की कमी ने पूरी करनी वाकई ही नामुमकिन है, वो बहुत मुश्किल है। फतेह मोहम्मद जी ने अपने यहाँ पर बहुत सारी टीम भी खड़ी करी, उस समय 2019 में नहीं हो सका उसे 2024 में पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिना कि इसमें बातचीत करे जो किसान साल साल भर से सड़कों पे बैठे हैं, बने बुलार बासु बात करता और करता, उनका आदर मान देते, एक तरफा फरमान जारी कर दिया। तो जो भी जागरूक व्यक्ति थे, जुन भी थे, वो सब इन काले कानूनों के खिलाफ थे। फतेह मोहम्मद जी भी इनके खिलाफ थे, और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा दुख है कि आज इस घड़ी को वो देख नहीं पाए, लेकिन ये उनके संघर्ष, उनकी सोच और उसी का परिणाम है। केंद्र सरकार जो बड़ी जिद्दी और तानाशाही सरकार है, उसको भी पीछे हटना पड़ा। यह किसानों का संघर्ष है, ये भूल गए थे कि किसानों से टकराना इतना आसान नहीं है। किसान वो जीव है जो जिंदगी और मौत से रोज आमना सामना करता है। मोहम्मद सलीम सोडा, एक्स वक्फ विकास परिषद मेंबर रहा हूं मैं, और बीकानेर से वाइस प्रेसिडेंट भी कांग्रेस का रहा हूं। सर, उनसे जो हमारा रब्ता कायम हुआ वो कौम के लिए हुआ। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसको कौम का इतना जबरदस्त दर्द था कि बात छोड़ो आप तालीम को लेकर के, कि भाई माइनॉरिटी में जो तालीम है बच्चों में उसके लिए क्या किया जाए, उसको लेके हमने एक खाजवाला में एक मीटिंग की जिसमें सारे जो हमारे इदारे थे, मदरसे जिनको स्कूल चल रहे थे जहाँ पे, उनको सब बुला के और उसमें बात की। और उन्होंने कहा भी मेरे से जैसा भी हो सकता है मैं करूँ, और उसके लिए उन्होंने काफी कुछ मतलब उसमें अपने विचार रखे, और उससे काफी फायदा भी हुआ हम लोगों को कि जो बच्चे चौथी पांचवी में है लेकिन मदरसे आ रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस एक मसले को हल करने के लिए हमने बीकानेर से भी अधिकारी बुलाए और बुलाए। तो ये उनकी सोच थी कि इस एरिया में तालीम के लिए काम किया जाए, और तालीम के लिए उन्होंने
मतलब है जो आप देख लो कि यहाँ पे भी मदरसा कायम किया एक उनका एक मदरसा यहाँ पे भी चल रहा है। इसके अलावा जहाँ भी होता वहाँ वो आगे बढ़ चढ़ के उसके अंदर भाग लेते। वो कांग्रेसी विचारधारा के थे लेकिन उनका मेल जोल सभी से था, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे वो जनता पार्टी के हैं, सबसे रहा है। जैसे जनता पार्टी के टाइम में भी इनके ब्रदर दूसरी पार्टी में, बीजेपी में इनके ब्रदर दूसरी पार्टी में थे, लेकिन ये कांग्रेस में रहे हमेशा। हमेशा उनकी विचारधारा जो है कांग्रेस साथ रही, और लेकिन उन संबंध किसी से नहीं बिगाड़े। उनके जो संबंध थे वो सबसे भाईचारे के संबंध थे, और आज आप जो देख रहे हैं भीड़ ये उसी का। पहलो प्रश्न वही है कि कितनी क्षति कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की क्षति तो है, इसके अलावा क्या है कि ये यहाँ जो खाजूवाला मुस्लिम समाज है इसमें जाने पहचाने नहीं एक मेन मुख्य धारा थे, और उनकी जो एक जिंदा दली और इनका जो बोलने का जो एक बेबाक अंदाज था वो कहीं ना कहीं जितने भी गरीब लोग हैं उनको एक मजबूती दिलाता था कि यार हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो उनकी जो विचार जो थे और जो उनकी कार्यशैली थी तो वो एक प्रेरणा वाली थी कि हर आदमी ये सोच सकता है कि यार हम भी जो है वो फतू खां की तरह काम करें। उनका एक रहने का अंदाज, उनका एक बोलने का अंदाज, तो उनकी आज छत्ती के ऊपर जो ये इतना जो लोग आए हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी शख्सियत थी और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उसको मैं शब्दों और अल्फाजों में तो बयान नहीं कर सकता, और वो सबके दिलों में है, लेकिन अब खुदा के आगे किसी का जोर नहीं है। और वो आज भी लोग, ये मेरे पास शब्द नहीं है कि वो लोग ये सोच नहीं सकते कि वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो स्वस्थ भी थे। और आप उसको ऐसे नहीं दे सकते, वो मतलब गांव में रहते भी इतने हेल्थ कॉन्शियस थे कि उनका खाना पीना एक बड़ा एक सिस्टम था कि यार ये चीज नहीं खानी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, ये नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऊपर वाले को जो मंजूर था आखिर वही हुआ। तो आखिरी पलम थे कटा, आखिरी पलम है, मैं नंबरदार जी के साथ में ही थे और उनकी आखिरी इंचा तक, बाकी तो जो कमी थी वो खलेगी, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ रहता था 10-12 सालों से लगातार। स्वच्छता के प्रति और वन्य प्रेमी और जीव प्रेमी जो उनका संदेश था घर घर पहुंचाना और घर घर साफ सफाई और स्वच्छता का जो उसका था वो मेरे को आज भी दिल के अंदर है। और मैं ये कहता हूं कि ये उनकी बात को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और उसके कार्य को हमेशा जिंदा रखेंगे ता उम्र। अंतिम समय में थे कन्या हॉस्पिटलाइज, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर थे। कितनी देर पहले पहुंचा थे? हम वहीं थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसके बस 2-4 घंटे बाद में पहुंच गया था। लेकिन ऊपर वाले की कुछ मर्जी और थी, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमें ये पल देखना पड़ेगा। सारा दर्शक जानना चाहे कि एक बात निकल सामने आ रही है कि फतेह मोहम्मद जी खुद गाड़ी ड्राइविंग कर गया अभी चेकअप करवाने वास्ते। सुबह घर से 9 बजे राजी खुशी रवाना हुआ है, सिर्फ अंदाजे सु के अपन थोड़ा चेकअप कराया हुआ और 2-4 काम और भी थे कराने के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में से थोड़ा दर्द महसूस हुआ और जैसे ही ड्राइवर के साहब को गाड़ी सौंप दी और बीकानेर 50 मिनट में गाड़ी पहुंची। उसके बाद में ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया और 3-4 घंटे बाद में हमें ये लगा कि हम अभी छुट्टी लेके अपने घर रवाना हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था और अचानक ही कुछ ज्यादा दौरा आया और ब्रेन हेमरेज होने की वजह से और हमारे सारी जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया। आखिरी अल्फाज, ये उनके लड़के भी साथ थे वकील साहब, हमें तो कुछ कहना ज्यादा नहीं कर रहा है मन। सर मैं पहले पहुंच गया था वहाँ। अच्छा। उनको ट्रीटमेंट मतलब कि एक सब कुछ समय पे हो गया था, एकदम बैठ गए थे, तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक जब वो ट्रीटमेंट जो खून पतला करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, जब वो ट्रीटमेंट चला तो उनको नींद आने लग गई। तो हमने सोचा नींद आ रही है, वो सो रहे हैं, वो नींद में सो गए। 2 घंटे तक तो हम यही सोचते रहे वो सो रहे हैं। अचानक से उनको उल्टी आई, जब उल्टी आई तब उठाया तो देखा तो वो बेहोश थे। फिर हमने डॉक्टरों से संपर्क किया, डॉक्टर सामने ही था एकदम, जस्ट वो भाग के आगे देख लिया तो उन्होंने कहा कि उल्टी तो नहीं आनी चाहिए। फिर उन्होंने शुगर की वगैरह की जांचें की, फिर उनको डाउट हुआ, उन्होंने सीटी स्कैन किया तो सीटी स्कैन में ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद में फिर वो सो ही रहे, बिल्कुल तड़फे भी नहीं और सोए सोए। सादो फोन रखता भी हमेशा, पर्यावरण और इतना लगाव था कि वो जब भी जहाँ भी जाते वहाँ से पौधा खरीद के लाते। अगर पौधे के लिए 50 किलोमीटर कहीं दूर जाना पड़ रहा है तो पेट्रोल जला के 50 किलोमीटर से दूर से जाकर वो पौधा लेके आते। हमारे पिता थे, हम उन्हें गॉड फादर कहते थे, और हमने जब भी होश संभाला तब तक आज तब से आज तक हमने अपने पिता के बराबर बैठ के कभी बात नहीं की, कभी बराबर नहीं बैठे, कभी नजर नहीं मिला। सुबह वो 3 बजे उठ जाते थे, 3 बजे जाके मस्जिद में उनकी तस्बीह नमाज, 6 बजे तक उनकी यही प्रक्रिया होती थी। 6 बजे के बाद में नमाज पढ़ के फिर बाहर आते, फिर अपनी जो दैनिक प्रक्रिया होती, यानी उनका रूटीन था 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मस्जिद में इबादत का। वो एक धर्म गुरु थे, उनको धर्म के बारे में बहुत ज्ञान था। लेकिन अब लोकेशन है, अब जगह है, जिसकी जगह फतेह मोहम्मद जी सागे, मैं इस जगह बैठो असैम जगह है, मैं चाय की चुस्कियां इस जगह, बारिश आ गई जब फतेह मोहम्मद जी और मैं दोनों है जगह मुडा बे उठाया और चेयर ही बे उठाई और ई रमाइने में लेर गया भी। बाद में मेरे टाइम है जो 2 घंटा टाइम फतेह मोहम्मद जी सागे इस जगह बीतो है। ये जगह पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा थे देख रहे हो, ये वहाँ खुद लगाया है। ई कमरे में बहुत पुरानी जगह चीजा है, बे चीजा है आज भी। और आ मस्जिद है, मस्जिद भी खुदरी बनाई है,
तो पर्यावरण प्रेमी इतना जबरदस्त हाबे कि बहुत ही शानदार वक्तव्य मैं कह सकूँ। और भी बाद में जब मैं भी कमरे में गया, इंटरव्यू जो को हो वो मारो, वो इंटरव्यू हो भी जगह भी आंगने में परली साइड में दीवारों परली साइड में परिवार ने संवेदना व्यक्त करा हाँ, दुख जाहिर करा हाँ, और सागे सागे आज फतेह मोहम्मद जी ईश्वर रह सागे आप रो राफ्ता करता हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।